وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, अल्लाह ताला का फजल करम है कि हमारे साथ अलमनाहिजुल जदीदा नए नए मनाहिज जो आते हैं उसके ताल्लुक़ से बहुत ही इल्मी और तशफ़ी बख्श हमारे लिए हिदायत की बातें हैं, राह रास्त पर ले जाने की बातें हैं, इसलिए कि ऐसा मनहज है और ये ऐसा तरीक़ा है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसका जानना हर दाई पर, हर मुसलमान पर ज़रूरी है। उन्हीं बातों में से एक किताब जो आज हमारे, एक बात जो हमारे साथ थी, उसमें इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ताला की तरफ जो दावत होती है, दावत इल्लाह जिसको हम कहते हैं, उसके लिए अगर कोई आदमी सिर्फ किताबें याद कर लेता है, कुरान का हाफिज़ है या बाज़ अहादीस याद कर लेता है, अरबाईन नवविया या बहुत सारी किताबें अहादीस की याद कर लेता है, तो क्या वो शख्स इस काबिल है, क्या उसके लिए काफ़ी है कि वो दावत के मैदान का दाई बन जाए? तो इसके जवाब में शेख हफ़िज़हुल्लाह ने कहा, इल्म किस चीज़ को कहते हैं, इल्म किस बात का नाम है? किताब और सुन्नत, कुरान की आयतें और अहादीस सिर्फ याद कर लेने, अजबर कर लेने का नाम इल्म नहीं है। कोई भी आदमी याद कर ले सकता, आप भी याद कर ले सकते हैं, आप भी याद कर ले सकते हैं, माशाल्लाह कुरान के हाफिज हो जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कुरान के हाफिज हैं। कुरान का सिर्फ हाफिज हो जाना ये इस बात की दलालत नहीं है कि वो साहिब इल्म है। तो जब तक कुरान की आयतों को तफासिर, उसकी जमिया तफासिर के साथ या कम अज कम तफसीर के साथ न समझे, तो उसके अंदर वो काबिलियत और अहलियत नहीं पैदा हो सकती जिसको रखकर वो दावा का काम कर सकता है। तो अगर कोई शख्स मानी और तफसीर के साथ कुरान हिफ्ज नहीं करता है, अहादीफ को नहीं समझता है, तो इतना तो हो सकता है कि वो दूसरों के हिफ्ज करा सकता है, अहादीस का हिफ्ज करा सकता है। जैसे हम लोग हिफ्जुल मतून, नुसूस याद कर लेते हैं, लेकिन जब तक मानी और शरह के साथ चीज़ों को न समझे, हम ये नहीं कहेंगे कि उसके अंदर पूरी काबिलियत और सलाहियत है कि वो दावत इल्लाह का काम करे। बहुत सारी आयतें होती हैं, जब दावत के मैदान में जाएंगे तो कई कुरानी आयत हैं, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उसमें टकराव है, या बाज़ कुरानी आयत हैं, अहादीफ हैं जिनमें लगता है कि टकराव है, हालांकि टकराव नहीं है। सही हदीफ और कुरान की आयत में किसी तरह का कोई टकराव नहीं होता है। तो मालूम यह हुआ कि हर चीज को समझकर पढ़ना ये जरूरी है। कुरान की जो तफसीर है उसे आदमी पढ़े, तफसीर सादी पढ़े, तफसीर इब्न कतीर पढ़े, तफसीर तबरी पढ़े, या मुख्तसर जो तफासिर हैं जो उर्दू में लिखी गई हैं उन तफासिर को आदमी पढ़े। तो ये बात तो हमारे समझ में आ गई। दूसरी तरफ दूसरी एक बहुत बहुत अहम बात जिसका सवाल शेख मोहतरम से किया गया है, कि सवाल करने वाले ने कहा कि ये वहम है। वहम किसे बोलते हैं? एक तरह की गलत फहमी बोलते नहीं। एक वहम ये है कि अल्लाह ताला की तरफ दावत देने का काम सिर्फ उलमा ही कर सकते हैं, ऐसा एक वहम उन्होंने कहा। कि एक सवाल करने वाले ने कहा कि एक वहम है, ये गलत ये है कि दावत इल्लाह का काम सिर्फ उलमा ही कर सकते हैं। लेकिन कुछ वाज़ह मसाइल होते हैं जिन्हें हर इंसान जानता है, चुनाचे जिसे कहते हैं कि सवाल यह है कि लोग कहते हैं कि दावत अल्लाह का काम सिर्फ उलमा ही कर सकते हैं, उनके अलावा दीगर लोगों को जो कुछ इल्म है उसके मुताबिक उन पर दावत अल्लाह का काम अंजाम देना लाजिम नहीं। उलमा के अलावा आपको 10 अच्छी बातें मालूम है, लेकिन उन 10 अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाना आप पर जरूरी है क्या? नहीं है। जब तक आप आलिम नहीं हैं आप पर दावा करना जरूरी नहीं है, ऐसे ही समझ में आता है। शेख ने उसका जवाब ही दिया, ये वहम नहीं बल्कि हकीकत है। शेख ने क्या कहा? ये वहम नहीं बल्कि हकीकत है, दावत अल्लाह का काम सिर्फ उलमा ही कर सकते हैं, उलमा ही कर सकते हैं। तो बाद में कहा कि लेकिन कुछ वाज़ह मसाइल हैं जिनको हर इंसान जानता है, हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोको, जितनी बातें आपको मालूम है। तो ये हदीस जो बार बार सुनाई जाती है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, तो उसका मतलब ये है कि आप आयत ही पहुंचाए ना। आप ये एक आयत जानते हैं, सारी कुरान पहुंचाना चाहते हैं, ये एक हदीस जानते हैं, सारी बातों का इल्म पहुंचाना चाहते हैं, वो बात गलत है, ऐसी बात तो नहीं होना चाहिए। कहा कि एक तो उलमा पर जरूरी है कि वो दावत अल्लाह का काम करें, जितना वो जानते हैं वो दावत अल्लाह का काम करें, लेकिन जो कुछ मालूम है, शाहुल अमीद भाई हैं, बहुत सारी बातें उनको मालूम है, तो वो बातों का भी वो दूसरों को क्या कर सकते हैं? तबलीग कर सकते हैं। हमने वो नहीं, आप आलिम नहीं है, नहीं बोलना, हम नहीं बोल सकते। तो गैर आलिम भी जो कुछ मालूम है वो दूसरों को कन्वे कर सकता है, जाके उनको पहुंचा सकता है। तो आप अपने घर वालों को बोलते हैं, घर में बच्चे हैं, बीवी है, उनको आप जो कुछ जानते हैं उनको पहुंचाइए, वो तो फर्ज है। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है, मुरू औलादकुम बिस्सलाति लिसबईन, बच्चे जब 7 ईयर्स के हो जाएं तो उनको क्या करो? नमाज का हुक्म दो। कितने साल? 7 ईयर्स। वज़रिबूहुम अलैहा बिअशर, बिअशर, अगर वो 10 साल के हो जाए तो उनको मारो। किस बात पर मारो? नमाज नहीं पढ़े, स्कूल गए नहीं गए तो मारो नहीं। किस बात पर मारो? नमाज नहीं पढ़े तो मारो। अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो और 10 साल की उम्र में नमाज न पढ़ने पर मारो। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रईयती, सारे लोग जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं, आपके अंडर में जितने लोग आते हैं उनके ताल्लुक से आपसे पूछा जाएगा। आपके घर में बच्चे हैं, अल्लाह आपसे पूछेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके जो बच्चे हैं 7 साल 10 साल के, फजर के वक्त उठाएं नींद को। अगर उठ जाते हैं तो ठीक है, नहीं उठेंगे तो अल्लाह हमसे तो नहीं पूछेगा। अगर हम नहीं उठाते हैं, नींद से बेदार नहीं करते, अल्लाह उसके बारे में हमसे पूछेगा। अल्लाह ताला को वो जवाब अलबत्ता हमको देना पड़ेगा। अगर हम बेदार कर लेते हैं, अगर वो उठते नहीं हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला हर एक को तौफीक दे। तो इसीलिए लोगों को नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, यह बहुत जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिह, फल्युगय्यिरहु बियदिह, अगर तुम में का कोई बुराई देखे तो उसे क्या करो? अगर कोई बुराई देखे तो क्या करो? हाथ से उसे रोको। फ़इल्लम यस्तति', अगर तुम उसकी ताकत नहीं रखते, बुराई रोकने की ताकत नहीं रखते, फ़बिलिसानि, अपनी जबान से रोको। हाथ से रोकने डर है, मार देगा, तोड़ देगा, जबान से रोको। फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि, अगर हाथ से भी नहीं, जबान से भी नहीं, कम से कम क्या करो? दिल में बुरा जानो कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो यही हदीस है। तो हर आम आदमी से इतना मतलूब है कि वो अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को जितना जानता है उसके बारे में वो लोगों को डराए, लोगों को नमाज का हुक्म दे। आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं। नमाज का हुक्म कोई भी दे सकता है। गुनाहों से बचने का हुक्म दे, अपने घर वालों को गुनाहों से पाक रहने का हुक्म दे, अपनी औलाद की इताअत, अपने औलाद को इताअत और नेकी की तरबियत दे। तो ये तो उससे मतलूब ही है, चाहे वो आम आदमी ही क्यों ना हो, क्योंकि ये चीज वाज़ेह है, हर कोई शख्स जानता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि दावत दीन का काम उलमा ही करेंगे, लेकिन आम आदमी जितनी बात जानता है उतना कर सकता है। हलाल हराम के बारे में आम आदमी नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा? शेख साहब ही बोलेंगे, इसलिए कि आपको नहीं पता कि कौन सी चीज हलाल है, कौन सी चीज हराम है। शिर्क और तौहीद के बारे में कौन बोलेंगे? उलमा ही बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। शिर्क के कितने अक़साम हैं, तौहीद क्या है, अस्मा और सिफात क्या है, ये सारी बातें आपको नहीं पता, तो ये सारी बातें उलमा बोले। तो आपको बात साफ समझ में आ गई होगी। क्या शोएब बात आ गई साफ? नहीं, दावत अल्लाह का काम सिर्फ उलमा ही करेंगे। हाँ, दावत अल्लाह का काम सिर्फ उलमा ही करेंगे। बाकी रही आम तौर से नमाज का हुक्म देना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, यह हर कोई कर सकता है। अलबत्ता हलाल और हराम के बारे में फतवे देने के बायसा मैं कैमरे के सामने बैठ जाऊं, बोलो हर फन में हूं मैं यकता, क्या मुझको नहीं आता, पूछो क्या पूछना है मैं जवाब देता हूं, ऐसा नहीं कर सकते। ये बड़े बड़े अल्लामा लोग ही कर सकते हैं। आपको मालूम है बगैर इसके इल्म का दावा, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम उनसे जब पूछा गया कि आप कोई सबसे ज्यादा जानने वाला कौन है, हालांकि उस वक्त वो अल्लाह के नबी थे, उनसे बढ़कर कोई जानने वाला नहीं था, उन्होंने कह दिया कि मैं, तो अल्लाह ने क्या किया उनको? जाओ मजमा अल बहरैन, जाओ सफर करो, वहां हमारा एक अल्लाह का नेक बंदा रहता है, जाकर उससे इल्म सीखो। खिजर अलैहिस्सलाम, खिजर के पास भेज दिया। किसने कहा यह बात? अल्लाह के नबी मूसा ने अलैहिस्सलाम। जब हमारा और आपका क्या है, जिनके हाथ में लकड़ी आसा बन गई, जिनको अल्लाह ने कहा इन्नी अना अल्लाह, मैं अल्लाह हूं, उन्होंने अल्लाह की निशानियां देखी, बहुत सारी चीजें देखी, जिनके लिए समंदर फाड़ दिया गया, उन्होंने ऐसी बात कह दी तो अल्लाह ताला को थोड़ा ये लगा। तो मेरे कैफ, मैं और आप कभी इल्म का दावा नहीं कर सकते हैं। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, अल्लाह ने कहा कि आपको बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है। हमको कितना इल्म दिया गया? रत्ती, क्या बोलेंगे उसे? बहुत थोड़ा सा इल्म अल्लाह ताला ने हमको दिया है। एक और चीज हमारे पास एक सवाल था जिसके बारे में हम जरा तफसील से पढ़ते हैं। एक सवाल शेख से कहा गया, इस वक्त दावती जमातों की कसरत है। दावती जमात के माने अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वालों की कसरत है। कोई भी बुलाए, हम भी दावा करते हैं, इस्लाह करते हैं, बहुत सारी जमातें हैं जो दावा करती हैं, और दाइयान भी बहुत हैं, स्कॉलर्स। आप यूट्यूब में चले जाएं, स्कॉलर्स की बहुतात है सारी दुनिया में। कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, कोई इधर बैठा हुआ है, और दावत ओ शायद ऐसा हो कि पूरा यूट्यूब भर जाए, इतने सारे क्लिप हैं दावत। लेकिन इस दावत का जो असर होना चाहिए वो असर कम है। इतने सारे लोग दावा करेंगे तो कितना असर होना चाहिए, कितने लोगों को दिन ब दिन मुसलमान हो जाना चाहिए, लेकिन उतना ये नहीं है। उसका क्या सबब है, वो सवाल उन्होंने किया। तो जवाब शेख ने कहा कि पहली बात तो ये है कि जो जमातें दावत का काम करती हैं, हम उनकी हौसला शिकनी नहीं करना चाहते, हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो शेख ये जवाब देते हैं कि जो जमातें दावत का काम करती हैं उन जमातों में हम सिर्फ उन्हीं जमातों की हौसला अफजाई करते हैं जो सच्ची जमातें हों। हर कोई कहे, कोई नमक बेचने लगे और बोर्ड लगा दे कि शक्कर की दुकान है, कैसा रहेगा मसला? बेचता नमक है और बोर्ड किसका है? ऐसे आज ही जमात, बहुत सारे जमातों का हाल है। तो शेख बोलते कि नहीं, हम बोलते हैं कि जो सच्ची जमातें हैं उनकी हम तायद करते हैं। हम एक सच्ची जमात चाहते हैं जो बसीरत की रोशनी में, अदो इल्लाह अला बसीरा, बसीरत की रोशनी में काम करे। तो कहते हैं रहा ये सारी जमातें जो इतनी सारी जमातें आज हैं, ये सारी जमातें और ये तो पसपाई हार और आपस में एक दूसरे के झगड़े का सबब है। अगर सारी जमातों का मनहज एक होता तो ये आपस में क्या नहीं होते, झगड़ते नहीं। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वला तनाज़ऊ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू, सूरतुल अनफाल आया नंबर 46। आपस में इख्तिलाफ न करो, क्या होगा? बुज़दिल बन जाओगे। आपस में इख्तिलाफ करे तो क्या होगा? बुज़दिल बन जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। तुम्हारा एक जो वेट है, वजन है, वो वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने इशाद फरमाया, वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू, सूरत आल इमरान आया नंबर 105। तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने तफर्रुका डाला और इख्तिलाफ किया। और भी आयत, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सूरत आल इमरान आया नंबर 130। अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और फूट न डालो। तो हम कैसी जमात चाहते हैं? इतनी सारी जमातें हैं, हम बस एक जमात चाहते हैं जो सही मनहज, सही दावत पर कायम हो, चाहे वो कितने ममालिक में फैली हुई हो, लेकिन उसका मनहज सही हो, उसकी दावत सही हो। तो कहते हैं, और साथ साथ उनके बारे में कहा कि ऐसी जमात हो, क्योंकि जमातें बहुत जगह हो सकती हैं, लेकिन वो जमातें जहां से निकलती है वो एक है, क्या है? कुरान और हदीस एक ही है। वो आपस में एक दूसरे से रुजू करते हैं, एक दूसरे से मदद लेते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। इसके बरखिलाफ बहुत सारी जमातें हैं, लेकिन वो मनहज अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। उनका अंजाम इख्तिलाफ और इंतिशार है, यह आपस में लड़ती रहती हैं। दूसरी चीज जो शेख ने कहा कि हम जिसको दावा करते हैं उस पर हमारा बड़ा असर होता है। वो हमको क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। मुझे बुलाने वाला कैसा है, उसके अखलाक कैसे हैं। अगर दाई मतलब स्कॉलर, या जो दाई जो दावत देता है उसके नियत में मुखलिस होता है और सही मनहज की दावत देता है, इसी तरह इल्म बसीरत की रोशनी में दावत देता है, तो उसकी दावत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। देखा, कल मैं सूरह यूसुफ की तफसीर कर रहा था, उसमें कैसा आया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती ने उनको कहां भेजा? हाँ? जेल में। खूबसूरती के कहां पहुंचे? जेल में। लेकिन जेल से जो निकले, किस वजह से निकले? इल्म की वजह से निकले। खूबसूरती से अंदर गए, इल्म ने क्या किया? बाहर निकाला। ख्वाब की ताबीर बोले खैदियों की, खैदी जाकर बादशाह से बोला, बादशाह की ख्वाब की ताबीर बोले। तो इल्म आदमी को क्या करता है? बचाता है। देखिए, तो ऐसा दाई ऐसे होना चाहिए जिस बात की तरफ दावत देता है खुद उस पर अमल करे। अमल नहीं करता है तो मुश्किल है। उससे भी अगर कोई दाई अमल नहीं करता है तो लोग मुतनफिर हो जाते हैं। अल्लाह दिलों का हाल जानता है और इंसान किसी भी जगह जो कुछ करता है उससे भी बाखबर है। अल्लाह ताला सारी चीजें जानता है। इसलिए अगर वो दीन में, अगर वो खलवत में दीन की मुखालफत करे तो उसकी दावत तो अल्लाह से ऐलान जंग करेगा। यानी आदमी लोगों को बुलाता, नेकी करो, नमाज पढ़ो, खुश हो जाता है, लोगों से बोलता है कि देखो हराम नहीं खाओ, खुद खा लेता है तो उसका असर बहुत होता है। तो उसकी दावत बिल्कुल बेअसर हो जाएगी और कबूल नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये उसूल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दावत में बरकत रखी है। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दावत में बरकत, उस आदमी की दावत में बरकत होती है जो कहता है उस पर अमल करता है। अगर कोई कहे और अमल ना करे तो अल्लाह उससे बरकत उठा लेते हैं। उसके बरखिलाफ इस्लाम के जो मुखलिस दाई थे अल्लाह ताला ने उनकी दावत को किस कदर मुआफिर बनाया उसकी मिसाल इन्होंने दी, जबकि वो अफराद ही थे, टीम नहीं थी। अल्लाह ताला ने उनकी दावत को बड़ा मुआफिर बनाया और उनके मुखालिफिन भी थे। मुखालिफिन के मतलब हमारे ऑपोजिट। आज हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है HGWC एक टीम है। वो जमाने में दावा करने वाले अफराद थे, उनके दुश्मन भी थे, मैंने इंडिविजुअल थे, उनके दुश्मन भी थे, जैसे शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया, इतने बड़े आदमी, इतनी किताबें लिखी, इतना बड़ा उनकी बरकत है, अल्लाह ने इतनी बरकत उनमें दी कि जिंदगी में भी लोग उनसे फायदा उठाते रहे, मरने के बाद भी लोग उनकी किताबों से क्या है आज फायदा उठाते हैं। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, ये वल्लाह ये बहुत बड़ी बरकत की बात थी। और इसी तरह शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह और दूसरे मुखलिस उलमा हैं। लेकिन आज इतने दाइयान हैं नहीं, अब पहले जमाने में हम दाइयों का नाम लेते तो बस एक आध दाई का हम नाम लेते थे, आज इतने दाई हैं, इतनी जमातें हैं, लेकिन उनकी तासीर की किल्लत है, वो इतने इफेक्टिव नहीं। आज इतनी जमातें हैं लेकिन इनकी दावत का असर लोगों पर उतना ज्यादा नहीं है और मामूली नफा दिखता है। बहुत सा कम लोग इस्लाम लाते हैं, दीन पर आते हैं। तो मालूम यह होता है कि एतबार कैफियत का है, मिकदार का नहीं। यानी एतबार इसका किया जाएगा कि कैसे असर होता है, ये नहीं देखा जाएगा कितने लोग हैं, लोगों की कसरत नहीं देखी जाती बल्कि कैफियत देखी जाती है। तो दो सवाल आज के इस दर्स में हमारे साथ थे। पहले यह था कि पहला सवाल हमारे पास था कि क्या कुरान व हदीस को सिर्फ याद कर लेना आदमी के अंदर यह काबिलियत दे देता है कि वो दावत का काम करे? तो हमने कहा कि नहीं, याद करने के साथ साथ समझना क्या है जरूरी है। आप समझेंगे, याद कर लेंगे तो उसका फायदा होगा कि किसी और को आप याद करा सकते हैं, लेकिन समझा नहीं सकते। जब दूसरी बात हमारे पास ये आई कि आज इतनी जमातें हैं दावत का काम करने वाली, लेकिन असर दिखता क्यों नहीं है? तो कहा कि इनका मनहज ठीक नहीं, इनकी दावत ठीक नहीं। अगर ये सही माने में सारे के सारे सही मनहज पर होते तो वैसे ही असर नजर आता, जैसे हमने शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह, इन दोनों के जमाने में देखा। जैसे आज सऊदी अरब को आप देख रहे हैं, कितने मदारिस हैं, कितने लोग मदनी मक्की पढ़ के आते हैं, बड़े बड़े इदारे लोगों ने खोल लिए हैं, खोल रहे हैं, हाँ। और ये सारा का सारा जाएगा शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के अजर में, अल्लाह ताला उनको देगा। ये उन्हीं के बरक़ात और समरात हैं जो उम्मत मुस्लिमा को आज मिल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह कुछ और बातें हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह कल नहीं परसों के दर्स में हमसे सुनेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।